नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना पॉलिटी का सेशन नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है मंडल कमीशन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशंस के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में भी EWS कोटा को जो चैलेंज किया गया था और 103 अमेंडमेंट के ऊपर बातचीत की थी। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो देखते हैं क्या है मंडल कमीशन और ये क्या बातें कर रहा था, रिजर्वेशंस की क्या हालत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और खास गुड न्यूज भी लेके आया हूं। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो गुड न्यूज है क्या। राइट, सो लेट्स बिगिन आवर वर्क फॉर टुडे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। राइट, आरक्षण की ये जो पूरी कहानी है ये कितनी लंबी है। तो ये कहानी सबसे पहले शुरू हुई थी 1902 में, जब एक प्रिंसली स्टेट जिसका नाम था कोल्हापुर, उसके राजा थे शाहू महाराज, उन्होंने पहली बार रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। उन्होंने 50% जॉब्स दी फॉर बैकवर्ड कास्ट एक्सेप्ट फॉरवर्ड ग्रुप्स। तो वो मतलब बैकवर्ड कास्ट को लेके उन्होंने सबसे पहले पहल की थी कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज इन 1902 में ये हुआ था। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब हमारा संविधान बना तो एससी और एसटी के जो केसेस थे वो पहले से ही सेटल किए गए। 1950 में ही हमने वो सेटल कर दिया था कि एससी एसटी के लिए क्या चीजें होंगी। ऑरिजिनली जो रिजर्वेशन आया था, आर्टिकल 334 कहता है कि ऑरिजिनली जो रिजर्वेशन आया था वो कोटा इन लेजिस्लेचर था। राइट, जो 10 साल के लिए एक्सटेंड हो रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 334 इसको सजेस्ट करता है। तो आज के लिए आपका पहला सवाल, आप लोग मुझे बताएंगे कि आर्टिकल 331 क्या है। ये भी बहुत चर्चा में रहा है इस साल। तो ये आर्टिकल 331 क्या है, ये आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। नेक्स्ट, सबसे पहला जो बैकवर्ड कमीशन था वो जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सेटअप किया था, जिसमें 2399 रफली 2400 कम्युनिटीज थी जिनको बैकवर्ड कहा गया था। हालांकि ये कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और ये जो कमीशन था, इसके जो चेयरमैन थे एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था काका कालेलकर। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो था वो काका कालेलकर का था इन 1953, सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये चीज सेटअप की गई थी। द रिपोर्ट वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये रिपोर्ट कभी भी इंप्लीमेंट नहीं की गई। नेक्स्ट, रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो था फॉर सेंट्रल पोस्ट सर्विसेज, बाद में जो बनाया गया कि एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% एंड ईडब्ल्यूएस 10%, ये टोटल मिला के पहुंच जाता है 59.5%। हालांकि कल हमने देखा था इंदिरा साहनी केस 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि इसको केप किया जाए 50% पे, तो ये उससे एक्सीड हो रहा है। राइट, तो ये था हमारा मंडल कमीशन, ये मिस्टर बीपी मंडल। आप मुझे बताइए बीपी मंडल में बीपी की क्या फुल फॉर्म है। और ये बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे ये, बीपी मंडल, सॉरी नॉट मंदिर, मंडल। सो बीपी मंडल, बीपी मंडल में बीपी की फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। इन्हीं की जो कमीशन थी इसको सेकंड बैकवर्ड कमीशन कहा जाता है, जो 1979 में एस्टेब्लिश की गई, सेटअप किया गया बाय मोरारजी देसाई। उन्होंने ही इस मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था, इसलिए टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेटेड बैकवर्ड क्लासेस टू एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो इतिहास रहा है वो काफी मतलब अनोखा रहा है, अनूठा रहा है, उसमें हर तरीके की रंग तरंगे सब मिलती हैं। तो उसमें एक जो सबसे जो बेकार बात थी वो ये भी थी कि जो जातिवाद था वो बहुत ज्यादा था। तो उसको देखते हुए 1979 में मोरारजी देसाई ने एक कमीशन का गठन किया। राइट, इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज। फाइनली ये 1992 में इंप्लीमेंट हुआ और एजुकेशन कोटा जो था वो 2006 में आया। राइट, एजुकेशन कोटा 2006 में आया, ये आप याद रखिएगा।
Among its key recommendations were 27% reservations in government jobs, schools and colleges. A quota is also applicable to promotions at all level. मतलब reservation under reservation. ये system भी इन्होंने recommend की थी. Commission also recommended land distribution and changes relations to production. तो ऐसा नहीं था कि कमीशन सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को लेके ही बात कर रहा था. कुछ लैंड रिफॉर्म्स की भी चीजें थी. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, उन पे भी ये कमीशन आधारित था. लेकिन जो ये कमीशन पूरा का पूरा जो जाना जाता है इतिहास में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन. राइट, क्या रिएक्शन रहे, क्या क्रिटिसिज्म रहा? जैसे ही ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट चालू हो गए. राइट, और एंटी मंडल प्रोटेस्ट बन गए. बेसिकली एक स्टूडेंट थे मिस्टर गोस्वामी, वो इसका चेहरा बने उस वक्त. तो एंटी मंडल प्रोटेस्ट चालू हुआ, विच टुक एन अगली टर्न इन 1990s. तो उसमें काफी मतलब हिंसा भी हुई. उसके बाद इसकी कुछ क्रिटिसिज्म की गई, इसकी आलोचना की गई कि ये रिपोर्ट जो आपने बनाई है, इसका जो आधार आपने लिया है, इसमें 11 इंडिकेटर्स शामिल किए गए थे, ये आप याद रखिएगा. देयर वर 11 इंडिकेटर्स इन दिस रिपोर्ट. तो 11 इंडिकेटर्स थे और ये रिपोर्ट जो थी वो 1931 के सेंसस पे बनी थी. तो ये सबसे पहली आलोचना इसकी की गई. जो इसके क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है 1931 के हिसाब से, तो ये तो उस वक्त तो ब्रिटिश रूल था और अब तो हम 1979 भी क्रॉस कर चुके हैं, 1980s में आ चुके हैं, तो उस वक्त के हालात और अब के हालात में तो बहुत फर्क है, तो ये रिपोर्ट तो हम खारिज करते हैं. राइट, समझ आ रहा है आपको कि क्या मतलब क्रिटिसिज्म का क्या पहलू रहा था. उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म ये आया कि जो जिन कम्युनिटीज को लेके, जैसे आप कह रहे हैं 27% ओबीसीज को लेके, तो ओबीसी जो पर्टिकुलरली कम्युनिटीज हैं उनमें भी तो सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस काफी सुधरे हैं एज कंपेयर टू 1931. तो उनकी भी काफी ज्यादा मतलब वृद्धि हुई है, उनकी बढ़ोतरी हुई है. तो ये भी थोड़ा सा गलत है, ये आप उनके सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी इसकी आलोचना की गई. और तीसरा आलोचना यह था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, जिनके इसमें ये इंप्लीमेंट हुआ था, तो वीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो वो उनको ऊपर एक आरोप लगाया गया कि वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बहुत पहलुओं पे बात कर रहा है. सिर्फ रिजर्वेशन के लिए रिपोर्ट नहीं था, ये रिपोर्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए भी था, लैंड टेन्यूरियल रिफॉर्म्स के लिए भी था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन को आगे लाइमलाइट में लाया गया. तो ये कहीं ना कहीं उस वक्त के प्रधानमंत्रियों पे भी आरोप लगे कि आप अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, माइलेज के लिए. राइट, तो ये सारा कुछ मिला के, कुल मिला के रिएक्शन और क्रिटिसिज्म था. तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं आज, क्योंकि ये 1990 में इंप्लीमेंट हुआ था मंडल कमीशन. राइट, और आज इस साल उसको 30 ईयर्स हो चुके हैं, तो संभावना है कि पेपर में एग्जामिनर इससे सवाल पूछे. तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक्स सीएम थे बिहार के बीपी मंडल, आपको नाम पता ही चल गया होगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है इनका नाम. राइट, तो आज हम अपनी पर्सनैलिटी ऑफ द डे की बात करते हैं. हमारे पर्सनैलिटी ऑफ द डे हैं, नाम गैस कीजिए कौन है ये. बिल्कुल राइट, ही इज नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस. तो उन्होंने कुछ बात कही थी कि मुझमें जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, लेकिन कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझमें कभी नहीं रही. एक बहुत ही बेबाक नेता, एक अलग किस्म के नेता, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी काफी जान जोखिम में डाली, काफी स्ट्रगल किया. इनकी एक किताब भी थी जो इन्होंने लिखी थी, तो आप मुझे इनकी किताब का नाम बताइए कमेंट थर्ड में कि इनकी लिखी हुई किताब का नाम है क्या. राइट, 23 जनवरी 1897, बॉर्न इन कटक, बिलोंग टू बंगाली फैमिली. ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है. और इनकी मौत कैसे हुई ये तो रहस्य है आज तक, लेकिन जो लास्ट डेट जो डॉक्यूमेंट से मिलती है 18 अगस्त 1945, और आज है 19 अगस्त, तो 18 अगस्त का है इनका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो है उसमें 18 अगस्त ही हम इन्हें मानते हैं. हालांकि इनकी डेथ कैसे हुई ये अभी तक एक मिस्ट्री है. सरकार ने बहुत सारी कमीशन इनके ऊपर बनाई, इनके लाइफ की मिस्ट्री को लेके कि ये इनकी डेथ की मिस्ट्री को लेके कि ये कैसे मरे, लेकिन किसी भी कमीशन से कुछ भी फाइनल ठोस सबूत नहीं मिले. राइट, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ में फीचर्स कौन कौन से हैं. राइट, पहला है लिमिटेशंस ऑफ पावर, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तीसरा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, चौथा है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, बताइए रूल ऑफ लॉ में इनमें से कौन सा सही फिट बैठेगा. ये चार आपके पास कोड है या स्टेटमेंट्स आप कह लीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी, लिमिटेशंस ऑफ पावर कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ। तो 1, 2, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ था, इसका जो प्रिंसिपल था, वो एवी डाइसी जी ने दिया था। देयर वाज अ मैन कॉल्ड एवी डाइसी, तो उन्होंने ही इसके प्रिंसिपल को मतलब डिफाइन किया था, एवी डाइसी ने। तो उन्होंने तीन बातें की थी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात की थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की थी, और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट की बात की थी। तो इन तीन पहलुओं पे एवी डाइसी ने इस पे बात की थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में, इसलिए मैं ये लेके आया हूं, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। और आज की गुड न्यूज, आज की गुड न्यूज ये है कि कल होगा हमारा सेशन नंबर 15, और कल मैं आपको कराऊंगा टॉप 10 MCQs। जितने भी हमने अभी तक सेशन किए हैं उस पे बेस्ड एक MCQs का सेशन होगा कल। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आप रहोगे, आपको समझ में आएगा। जो न्यू कमर्स हैं, जो नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो कल हम 10 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे साथ में, और उनका पूरा एकदम उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को भी साथ में देखेंगे। और ये आपके लिए कुछ पीटी रिसोर्सेज हैं, इनका लाभ उठाते रहिए, ये आप ही के लिए तैयार किया जा रहा है। राइट, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं जल्द मिलूंगा आपसे सेशन नंबर 15 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते, जय हिंद।